रामपुर गठबंधन प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने कहा था कि देश का माहौल खराब हो चुका है, जिससे बच्चों की शिक्षा और तरक्की पर बहुत असर पड़ता जा रहा है। देश में सबसे बड़ी चुनौती गरीबी बनती जा रही है। गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रत्याशी ने कहा कि सबसे पहले देश में अच्छा माहौल होना जरूरी है। देश में अच्छा माहौल लाने के लिए सभी धर्म जाति के लोगों को एक साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी है। इतने बारह बारह हुए हैं कि एजेंसीज अथॉरिटीज जिनका काम जिनका मकसद ये होता है कि वो मुल्क के शहरियों की खिदमत करें, वो भी दबाव और तनाव में, आवाम का दबाव अलग, उनमें खिंचाव अलग, जिसकी वजह से पूरे जिले का, पूरे शहर का, पूरे मुल्क का माहौल बहुत खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत और उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। क्यों जिस घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, उस घर की नहीं कर सकते। जिस जिले का माहौल अच्छा नहीं होगा, उस जिले के बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहला काम और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि माहौल को प्यार और मोहब्बत से तब्दील कर दें। हिंदू और मुसलमान के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म होना है इंशाल्लाह। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। उसके बाद ये है कि गरीबी और गुर्बत सबसे बड़ी बीमारी, वो तमाम बीमारियों की जड़ है। उसका सबसे बेहतरीन, उसे सबसे ज्यादा किस तरीके तरीके से समाज से खत्म किया जा सकता है, वो तालीम है। तालीम के जरिए से गुर्बत को खत्म किया जा सकता है। तालीम के लिए हमें यहाँ पर जिले में स्कूलिंग एजुकेशन की बहुत जरूरत है। बच्चों के लिए तालीमी इदारों की बहुत कमी है। और किसानों के लिए, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और उनके ऊपर वार करके उनकी